प्रिय विद्यार्थियों, आरसी एच हब बानसू की ऑनलाइन क्लासरूम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारा टॉपिक रहेगा दर्पणों के उपयोग, यूज ऑफ मिरर्स। कि जो हमारे दर्पण होते हैं, हमने दर्पणों के बारे में पढ़ा है कि दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, अवतल और उत्तल। ये प्रकार हैं गोले दर्पणों के, और मुख्य रूप से दर्पण दो टाइप के होते हैं, समतल दर्पण और एक होते हैं गोलीय दर्पण। तो आज हम इनके उपयोग पढ़ेंगे कि इनका उपयोग क्या है। देखिए, तो पहले हम पढ़ते हैं समतल दर्पण के उपयोग। समतल दर्पण के उपयोग, प्रिय विद्यार्थियों, इसके उपयोग याद करने के लिए हमने एक 100 ट्रिक्स बनाई है। वो हमने बनाई है, इसकी 100 ट्रिक्स है संपर्क चेहरा देखता है। यह हमने इसकी 100 ट्रिक्स बनाई है, संपर्क चेहरा देखता है। देखिए, सम का मतलब समतल, क्योंकि हम समतल दर्पण की बात कर रहे हैं, तो समझ हो जाएगा समतल दर्पण। तो सम मीन्स समतल दर्पण, पथ मीन्स पथ इन रास्ता, यानी इस दर्पण का उपयोग प्रयोगशाला में या वैज्ञानिक उपकरणों में प्रकाश किरण के पथ को मोड़ने के लिए किया जाता है। इसका पहला उपयोग है इस समतल दर्पण का उपयोग प्रयोगशाला में या वैज्ञानिक उपकरणों में प्रकाश किरण के पथ को मोड़ने के लिए किया जाता है। नंबर सेकंड इसका उपयोग है कि हम हमारे घरों में सामान्यतः चेहरा देखने के लिए जो शीशे होते हैं उसके रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो इसके दो मोस्ट जो है उपयोग है जो आपको याद रखने हैं। सेकंड हम पढ़ते हैं आगे, उत्तल अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण के उपयोग, अवतल दर्पण के उपयोग क्या क्या होते हैं। देखिए, हमने इसके अपने 100 ट्रिक्स बनाई याद करने की, क्योंकि वैसे ये हमें याद नहीं हो, विद्यार्थी भूल भी जाते हैं। हमने सिर्फ ट्रिक्स बनाई याद करने की, वो इस प्रकार से है, आपका ना आंख से गाड़ी की दाढ़ी दूरदर्शी से देखता है। ये हमने इसकी 100 ट्रिक्स बनाई है कि आपका ना आंख से गाड़ी की दाढ़ी दूरदर्शी से देखता है। देखिए, आप का मतलब है अवतल दर्पण, हम दर्पण की बात कर रहे हैं, का मीन्स हो गया अवतल दर्पण। का मीन्स है कान, ना का मीन्स है नाक और आंख, मतलब अवतल दर्पण के द्वारा कान नाक आंख की जांच करते समय जो चिकित्सक होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, वो इनका उपयोग करते हैं। इसका पहला उपयोग हो गया। नंबर दो हम बात करें गाड़ी, जितने भी हमारे वाहन होते हैं, जो गाड़ियां होती हैं उनकी हेडलाइटों में भी इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा है दाढ़ी, दाढ़ी बनाने के लिए या जो हेयर ड्रेसर जो होते हैं, जो नाई होते हैं, वो अपनी शॉप में बाल बनाते समय या दाढ़ी बनाते समय इस दर्पण का उपयोग करते हैं। और तीसरा लास्ट है दूरदर्शी, परावर्तक जो दूरदर्शी होता है उसमें भी प्रतिबिंब की आवर्धन क्षमता को बढ़ाने के लिए इस दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप, उत्तल दर्पण के उपयोग। उत्तल दर्पण के उपयोग, देखिए हमने इसी 100 ट्रिक्स बनाई याद करने को है, उभरा तल पीछे का दृश्य, उभरा तल पीछे का दृश्य प्रकाश लैंप
से देखता है। ये बनाइए हमने, देखिए उभरा का मतलब है उत्तल दर्पण, ठीक है, पीछे का दृश्य। जितने भी अपने वाहन होते हैं, जो मोटर गाड़ी होती हैं, उनके साइड में एक दर्पण लगा होता है जिससे ड्राइवर पीछे की साइड देखता है। तो जितने वाहन होते हैं, जितने भी गाड़ियां होती हैं, उनके साइड में पीछे की जो साइड है, जो दृश्य है पीछे को देखने के लिए इस दर्पण का उपयोग किया जाता है। प्रकाश लैंप का मतलब है जो सड़क होती है, सड़क पे प्रकाश को फैलाने के लिए रोड लाइट के रूप में भी इस दर्पण का उपयोग किया जाता है। और इसका तीसरा उपयोग है कि जो सजावट के सामान बनते हैं, सजावट के जो सामान है उसमें छोटा प्रतिबिंब बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये हमारा टॉपिक था दर्पणों के उपयोग, जो आपको याद रखना है। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।